मुंबई में शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करने को लेकर मची खींचतान के बीच शिवसेना शिंदे गुट ने ऐलान कर दिया है कि शिंदे गुट अब शिवाजी पार्क में दशहरा रैली नहीं करेगा। दरअसल शिवसेना शिंदे गुट और शिवसेना यूबीटी के बीच शिवाजी पार्क में वार्षिक दशहरा रैली के आयोजन को लेकर घमासान छिड़ गया था। दोनों गुट शिवसेना पार्क में दशहरा रैली करने पर अड़े थे। वहीं अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी शिवसेना एकनाथ शिंदे शिवाजी पार्क के बजाय क्रॉस मैदान में वार्षिक दशहरा रैली का आयोजन करेगी। बता दें कि पिछले साल भी शिवसेना शिंदे समूह और शिवसेना यूबीटी के बीच शिवाजी पार्क में वार्षिक दशहरा रैली के आयोजन को लेकर ठन गई थी, जहां पार्टी 1966 से रैली आयोजित करती आ रही है, जो उन दोनों के लिए इस स्थान के महत्व को दर्शाता है। हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिवसेना के पक्ष में फैसला सुनाया था और उद्धव गुट को शिवाजी पार्क में दशहरा रैली आयोजित करने की अनुमति दे दी थी। ऐसा तब हुआ था जब बीएमसी ने स्थानीय पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर दो गुटों की रैली आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि इस घटना से क्षेत्र में कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है। ऐसे में ये भी जान लेना जरूरी है कि आखिरकार इस रैली का आयोजन क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिवसेना अब दो गुटों में विभाजित हो गई है और कोविड महामारी के कारण 2020 और 2021 में रैली आयोजित नहीं की गई थी। पिछले साल एकनाथ शिंदे ने महाविकास अघाड़ी सरकार के खिलाफ शिवसेना विधायकों के एक समूह का नेतृत्व किया, जिसके बाद एमवीए ने राज्य में अपना बहुमत खो दिया। इसके चलते फ्लोर टेस्ट से पहले ही शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली नई सरकार ने 164-99 के अंतर से फ्लोर टेस्ट जीता, जिससे उनकी सरकार का बहुमत साबित हुआ और राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में उनकी स्थिति मजबूत हो गई। शिंदे के पक्ष में 164 वोट पड़े, जबकि नवगठित भाजपा शिंदे खेमे के गठबंधन के खिलाफ 99 वोट पड़े थे। इसलिए दोनों गुट दशहरा रैली के जरिए अपनी ताकत का एहसास कराना चाहते हैं। इसलिए दोनों गुट शिवाजी पार्क में रैली करने को लेकर अड़े थे। फिलहाल शिंदे गुट ने शिवाजी पार्क के दशहरा रैली पर अपनी दावेदारी छोड़ दी है। हालांकि अर्जी दोनों गुट की ओर से दी गई थी। शिंदे गुट ने कहा है कि उद्धव गुट जहां रैली करना चाहता है करे, हमें झगड़ा नहीं करना है। पिछले साल जब से दोनों गुट अलग हुए हैं, तभी से कई मौकों पर दोनों गुटों की तल्खी सामने आती रही है। कई बार शिंदे गुट और उद्धव गुट के कार्यकर्ता आमने सामने भी हो चुके हैं। फिलहाल सीएम एकनाथ शिंदे ने अब की बार इस झगड़े को शांत करने के लिए शिवाजी पार्क में रैली करने की अर्जी वापस लेकर बड़े विवाद पर विराम लगा दिया है। अब शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट शिवाजी पार्क के बजाय क्रॉस मैदान में रैली करेगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।